2010 ड्रामा सीरियल महरूम 19 और 48 की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जब वो जफर साहब ज़ायरा के पास अतर आकर बात करते और कहते हैं कि बेटा आपको सैलरी के अलावा जितने भी पैसों की ज़रूरत होती है तो आप बिला वजह बग़ैर टेंशन से मुझसे मांग सकती हैं, किसी किस्म की कोई भी बात नहीं है, आप परेशान ना होया करें, बस किसी तरीके से अपनी मामा का और अपना ख्याल रखा करें। ऐसी बातें जिस वक्त ज़ायरा सुनती है तो वो इनकार कर देती और कहती है कि नहीं साहब, मुझे कभी भी पैसों की ज़रूरत नहीं है और मेरा सर कट चल जाता है, इसलिए मैं पैसे नहीं मांगूंगी। तो यहाँ पर से वो चुप हो जाता है। जफर साहब उसे कहते हैं कि फिर भी आप सोच लिए करें, देख लिए करें, जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप लाजमी तौर पर मुझे जो मुखातब कर सकती हैं, मुझसे पैसे ले सकती हैं बगैर टेंशन के। तो यहाँ पर ज़ायरा कहती है कि जी ज़रूर, लेकिन वो फिर मैं आपको लौटा दिया करूँगी। तो यहाँ पर जब वो जफर साहब कहते हैं कि ठीक है लौटा देना, लेकिन आप देखते हैं कि ज़ायरा जो वो क्या पैसे ले पाती, क्योंकि जफर साहब तो सपोर्ट करना चाहते हैं, हर लिहाज से हर मुश्किल वक्त में इनकी साइड करना चाहते हैं, लेकिन ज़ायरा जो वो उसे कभी भी बड़ी सपोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और इसी वजह से इनकार कर रही है। इस एपिसोड में मज़ीद आप लोगों को ये भी इंटरेस्टिंग और कमाल का जो सीन देखने को मिलेगा कि मीर सैद आता है उमर के पास आकर बात करते और कहते हैं कि देखो तुम जब वो सोया को छोड़ दो, इसे बातें जिस वक्त मैं सुनते हैं तो अपने वालिद को इनकार कर देते और कहते हैं कि पापा जान अच्छे आप कैसी बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसे कदम नहीं उठा सकता, आपको पता भी है इस बारे में। तो आगे से चुप हो जाते हैं। जहाँ पर फौरन मी सैद उसे कहते हैं कि आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जितना मैंने आपको कहना था कह दिया था, अब मेरे पास कोई और अल्फाज नहीं है, अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो मुझे बता दें, लेकिन मैं इतना बता दूँ कि आपने हर सूट में से छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे जब वो से लड़की अब कभी किसी भी सूट में इस घर में नहीं चाहिए। इस लड़की का बात करने का अंदाज और बदतमीज़ी, ये चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो यहाँ पर चुप हो जाते हैं। फौरन उमर उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मीर इनकार कर रहे थे, कहते कि समझाना नहीं है। आता है उमर और जाकर समझाने की कोशिश करता और बात करता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, मेरी बात को समझो, तुम ये कदम मत उठाओ और पापा जान के साथ प्यार से बात करो। इनकार कर देते हैं यहाँ पर फौरन सोया और कहती है कि मैं तुम्हारे घर की या तुम्हारे वालिद की मुलाजमा नहीं हूँ, जो मैं इसकी हर बात मानती रहूँगी, कोई भी ऐसा नहीं करता, पर इतना मैं आपको बता दूँ कि ये जो हरकतें कर रहा है, ये जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है, तुम इसे नहीं जानते। तो यहाँ पर उमर कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन प्लीज अपने हालात को ठीक करने, मैं नहीं चाहता कि सोया की तरह जो वो मज़ीद किसी किस्म के हालात जो वो ख़राब हो जाएँ। तो यहाँ पर चुप हो जाती है। सोया से कहती है कि ठीक है मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी, लेकिन ये बता दूँ कि आपका भाई कभी भी मुझे खुश नहीं रहने देगा, ऐसे सिर्फ़ जो वो बिगाड़ ही चाहता है और आपका वालिद हमें जुदा करना चाहता है।